मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इन टूडेज वीडियो आई एम गोना शेयर विथ यू ऑल माई रिसेंट मॉर्निंग रूटीन एंड हाउ आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं सुबह उठते ही सबसे पहले बाहर आ जाती हूँ। थोड़ी देर मुझे बाहर इस तरह नेचर को इन्जॉय करना बहुत अच्छा लगता है, तो मोस्टली मैं गार्डन में रहती हूँ और कभी कभी ऐसे घर के बाहर आके थोड़ा सा वॉक करती हूँ। सो आजकल मेरी मॉर्निंग रूटीन टोटली डिफरेंट है। पहले मैं जॉब करती थी तो सुबह उठते ही मुझे ऑफिस जाना होता था, बट अभी मैं घर पे हूँ तो मैं इस टाइम को पूरा इन्जॉय करती हूँ एज अ होम मेकर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर के जो भी रूटीन होते हैं मैं वो अच्छे से फॉलो करती हूँ। सो गार्बेज मैंने बाहर निकाल दिया और इसके बाद फिर मैं फ्रेशन अप होकर किचन में आ गई हूँ और सुबह मैं ये मेथी पानी लेती हूँ। और आजकल नहीं, मैं हमेशा इस तरह मॉर्निंग में जो है ड्रिंक लेती हूँ, कभी मेथी पानी, अजवाइन पानी, और ये काफ़ी हेल्दी भी है। इसका इफ़ेक्ट भी मुझे काफ़ी दिखा मेरे ऊपर। सो अभी मैं सनरूम में आ गई हूँ और यहाँ बैठ के थोड़ी देर मैं इन्जॉय करूँगी इस वेदर को। और यहाँ पे मॉर्निंग में ना बहुत अच्छी बर्ड की आवाज़ आती है, तो मैंने आजकल योगा यहीं पे स्टार्ट कर दिया। बट योगा मॉर्निंग में कर रही हूँ और इवनिंग में मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 45 मिनट्स के लिए बाहर जाऊँ, वॉक करूँ। सो योगा के लिए आजकल काफ़ी सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बट मैंने ऐसे यूट्यूब पे एक रैंडम वीडियो ले लिया और उसको मैं फॉलो करती हूँ और इससे काफ़ी अभी बेनिफिट्स भी हैं। तो अभी मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और अभी मैं ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करूँगी और जितने भी मुझे ऐसे लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए जो भी प्रिपेयर करना है ना, तो अभी कर लूँगी क्योंकि 8:50 पे मुझे लॉगिन करना होता है अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो मैंने जॉब अभी क्विट किया है क्योंकि मुझे अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी थी और जॉब के साथ साथ सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। सो ब्रेकफास्ट में आज मेरे यहाँ बन रहा था गोभी और पालक के पराठे, तो मैंने गोभी को ग्रेट कर लिया है और यहाँ पे पालक चॉप कर लिए है, थोड़े से ग्रीन चिली चॉप कर ली है और इसमें मैंने नॉर्मल आटा गेहूँ का ऐड किया है और साथ में अजवाइन और जो हमारी बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड किया है। पराठों के लिए डो बन के रेडी है और मैं इसे फ्रिज में रखूँगी और अब बस मैं शावर लेके अपने पूरे दिन के लिए रेडी हो जाऊँगी। तो सुबह की शुरुआत आजकल पूजा के साथ कर रही हूँ क्योंकि पहले टाइम नहीं हो पाता था और आजकल फिर से मैंने वीडियो भी बनाने स्टार्ट किए हैं। अभी मैं घर पे रहती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं थोड़े वीडियो शूट करूँ और अपने आप को जो है मोटिवेटेड रखूँ ऑल डे। सो अगर मॉर्निंग में ही उठ के ना आप रेडी हो जाते हो शावर लेके तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। जब मैंने जॉब क्विट किया था ना, फिर मैं उस टाइम पे घर पे ऐसे होमलेस की तरह ही पड़ी रहती थी। फिर मेरी क्लासेस जब स्टार्ट हुई तो मुझे 8:50 तक लॉगिन करना होता है, तो बिफोर 8 ना मैं ट्राई करती हूँ कि मैं एकदम रेडी हो जाऊँ और जो भी मेरे घर के काम है वो सारे कर लूँ, जो भी डस्टिंग मोपिंग सब भी सारे काम हो जाते हैं और मैं रिलैक्स होकर फोकस कर पाती हूँ अपनी क्लासेस पे। तो अभी मैं बस रेडी हो रही हूँ क्लासेस के लिए और इसके बाद फिर मैं जो है ब्रेक ले लेके घर के सारे काम करती हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट ब्रेक जब होता है तो उस टाइम पे सिर्फ मुझे किचन में आके और पराठे सेकने होते हैं और उस टाइम पे मुझे और कुछ भी काम नहीं होता है, सिर्फ पराठे वगैरह बनाने होंगे जो भी, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ब्रेक होता है वो 30 मिनट्स का होता है और फिर इसके बाद हमारा लंच ब्रेक होता है। सो जब से मैं घर पे हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हरदम लाइक एवरी डे मैं ही उसको उसकी पसंद का ब्रेकफास्ट दे सकूँ, क्योंकि पहले मॉर्निंग में ये होता था 6:30 तक मुझे घर से निकल जाना होता था, तो जल्दी जल्दी जो भी मैं बना पाती थी बना के चली जाती थी। और अभी मैं घर पे हूँ तो वो जो अपने हस्बैंड को गर्मा गर्म पराठा देने की एक हैप्पीनेस होती है ना, वो डिफरेंट ही होती है। एज अ वाइफ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनको उनकी पसंद के ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सारे दे रही हूँ। और आजकल वेदर इतना अच्छा है तो हम जो है सनरूम में मोस्टली रहते हैं। जैसे अभी ब्रेकफास्ट के बाद आज मेरे पूरा दिन, पूरी क्लास मैंने सनरूम में ही निकाली। वैसे पढ़ाई करना किसे अच्छा लगता है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मेरे लिए ये डिसीज़न लेना बहुत टफ था। आफ्टर अ एज मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था 2014 में और इसके बाद अभी 2024 में मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ फिर से स्टडी। सो मैं अपनी जॉब में काफ़ी खुश थी और बहुत अच्छा कर रही थी अपने फील्ड में, बट एक
मैं जॉब के साथ साथ अपने घर पे उतना फोकस नहीं कर पाती थी, तो मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं स्टडी करती हूँ और थोड़ा ब्रेक लेती हूँ एक दो साल का जॉब से, बिकॉज़ मेरे जॉब में 15 to 16 hours देने ही देने होते थे, या फिर मिनिमम मैं बोलूँ तो 12 घंटे से पहले मैं कभी घर नहीं आ पाती थी, तो मेरा मोस्टली टाइम ऑफिस में ही चला जाता था। तो मैंने डिसाइड किया कि एक दो साल का ब्रेक लेते हैं और इसके बाद फिर से जॉब कंटिन्यू करेंगे और कुछ डिफरेंट फील्ड में मैंने ट्राई किया। सो अभी आ जाते हैं अपनी रेसिपी के ऊपर। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने लगी हूँ लंच। तो आज मेरी फ्रेंड आ रही है, वो अभी इंडिया जाने वाले हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो मुझसे ऐसे मिलने आ रही थी, तो मैंने बहुत सिंपल ही मेन्यू रखा था। तो मैं बना रही हूँ पम्पकिन करी। तो मैंने यहाँ पे गार्लिक, रेड चिल्ली, ग्रीन चिल्ली, मेथी और राई दाना और थोड़ा सा सौंफ ऐड करके तड़का दिया है, और इसे मैंने 10 मिनट जो है ढक के पकाया सॉल्ट ऐड करने के बाद, और ये बहुत क्विकली बन जाता है और बहुत टेस्टी सा बनता है। मैंने उसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड किया था, और ये रेसिपी बनाना एक ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। सो जब तक मेरा लंच बन के रेडी हो रहा था तब तक मेरी फ्रेंड आ गई थी, और ये वाली क्लिप ना मैंने इवनिंग में ली थी, काफ़ी शाम के टाइम में ये ली थी, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो मैंने लंच में क्या बनाया था पहले ये दिखा देती हूँ आपको। तो मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में पम्पकिन करी थी जिसकी रेसिपी मैंने शेयर की है, और बहुत सिंपल सा दाल एंड सैलेड और राइस बनाया था। तो मैं यहाँ पे ना ये प्लेटिंग कर रही थी, उनके आने से पहले ही मुझे थंबनेल के लिए फ़ोटो लेनी थी, क्योंकि एज अ यूट्यूबर मुझे ये भी करना होता है। सो आफ्टर लंच हम यहाँ पे मूवी देख रहे हैं, और मूवी देखते देखते साथ में पॉपकॉर्न इन्जॉय कर रहे हैं, और वेदर भी काफ़ी अच्छा था, तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। और इसके बाद मैं आपको बस एक छोटी सी क्लिप शेयर कर रही हूँ, उनके जाने से पहले मैंने लिया था। सो यहाँ पे मैं अपने दूसरे फ़ोन से शूट कर रही हूँ, तो इसीलिए क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट लग रही है। और ये है रेजल और वो रही ईरा। सो इन दोनों के साथ टाइम कैसे चला गया पता ही नहीं चला। मेरे इन ब्लॉग्स में बहुत सारी ईरा की मेमोरीज है, जब हमने यहाँ साथ में बेबी शावर पार्टी किया था, और ईरा जब 6 days की थी तब से इसकी बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी क्लिप्स हमारे इस वीडियोस में एडेड हैं। सो अभी इवनिंग का टाइम है और हम लोग बाहर आ गए थे वॉक के लिए, और इवनिंग में ना बहुत ही अच्छा लगता है बाहर वॉक करना, और बहुत ही जल्दी अभी सब तरफ ग्रीनरी आ जाएगी। सो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मेरी फ्रेंड भी जा चुकी है, हम लोग वॉक से आ गए। और अभी डे लाइट सेविंग्स की बात से ना दिन इतना लंबा लगता है, फिर ऐसा लगता है कि क्या करूँ और बोर हो जाती हूँ। तो मेरे पास ना टाइम था, तो मैं सोची आज बनाना केक बनाते हैं। तो इस तरह मैं ना बनाना, जब मेरे पास ऐसे घर पर रहते, मोस्टली हम सबके घर में ना ऐसा होता है कि बनाने के ऊपर नज़र ही नहीं जाती और वो ख़राब भी हो जाते हैं, फिर हमें उसे फेंकना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह उसको जिपलॉक बैग में ना फ्रीज करके रख देती हूँ, फिर मैं इसे यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। कभी भी आप केक्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर बनाना शेक बना कर पी लो, तो इस तरह हम यूज़ कर लेते हैं और सामान भी फेंका नहीं जाता। तो जब से मैंने ये फ्रीजिंग वाला सिस्टम किया है ना, मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें अभी निकाल के रेडी कर ली हूँ, और इसकी रेसिपी ना मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोज़ में दी है, तो मैं अपनी उस वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, अगर आपको रेसिपी देखनी हो तो आप वहाँ पे देख सकते हो। और मैंने यहाँ स्क्रीन पे भी लिख दिया है मेजरमेंट्स, तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो। सो बनाना केक पे ना मेरा हाथ बिल्कुल सेट हो गया है, तो मुझे मेजरमेंट भी फॉलो नहीं करना होता है, और मैंने यहाँ पे बस 2 बनाना और 1 cup मिल्क ऐड करके इसे ग्राइंड कर लिया है, और साथ में ही मैंने इसमें शुगर पाउडर भी ऐड कर दिया है सेम स्टेज पे। तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ मैदा ऐड करूँगी 1 cup, 1.5 cup, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में बना रही हूँ। बट इसका बहुत सिंपल सा मेजरमेंट है ना, कि मैं 1 cup मैदा, 1 cup मिल्क और शुगर जो है 1 cup, और 1/2 cup ये मैं ऑयल ऐड करती हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट जाता है जब भी मैं इस तरीके से बनाती थी। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर, और साथ में ऐड करेंगे कोको पाउडर, और 1 spoon मैंने यूज़ किया है वनीला एसेंस। सो इससे बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस आता है, और बस इन सबको डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो मैं बहुत ही सिंपल वे में बनाती हूँ, और ये बहुत बन के बहुत टेस्टी होता है। इसमें शुगर भी ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है तो ऐड करो, अदरवाइज़ जो बनाने की स्वीटनेस होती है ना उससे भी काफ़ी अच्छा एक नेचुरल स्वीटनेस आ जाता है। तो मुझे यहाँ पे ना थोड़ा थिक लग रहा था बैटर, तो मैंने थोड़ा सा मिल्क और यहाँ ऐड किया है, और साथ में हितेश जो है ग्रॉसरी करके आए थे थोड़ी बहुत, तो उसको अरेंज कर रहे हैं।
तो इस तरीके से हम दोनों मिलजुल के आजकल काम करते हैं घर का, और ऐसे अच्छा लगता है किचन में अगर हम दोनों लोग रहते हैं, वरना एक बंदा किचन में काम कर करके बोर भी हो जाता है। सो मेरा ना इसके बाद का क्लिप मिस हो गया था, तो मैंने यहाँ पे जो लास्ट वाला थोड़ा सा बचा था ना लास्ट पेज का, तो उसका मैंने थोड़ा सा वीडियो लास्ट में ले लिया। और यहाँ पे मेरे मफिन्स बनके बिल्कुल रेडी। सो आज मैंने यही रिकॉर्ड किया था मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, तो आज का मेरा बहुत ही सिंपल सा रूटीन था। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।